शहर के मधुबन बैजिस मोड़ स्थित निखर लॉज नामक रेस्टोरेंट में मंगलवार शाम 5 बजे अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। इस दौरान रेस्टोरेंट में मौजूद लोग व कर्मी ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। इसी बीच मामले की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम व नगर थाना पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद तुरंत नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद सदलवल फायर ब्रिगेड की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। तब तक रेस्टोरेंट में मौजूद कर्मियों ने फायर सेफ्टी यंत्र के जरिए आग पर काबू पा लिया। इस बात पर संचालक साहिल कुमार ने बताया कि वे शाम में घर खाना खाने के लिए घर गए हुए थे, तब अचानक सूचना मिली कि रेस्टोरेंट के किचन में शॉर्ट सर्किट से बिजली बोर्ड में आग लग गई। इस घटना से बड़ा नुकसान होने से बच गया। इधर नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद ने बताया कि मामले की जानकारी मिलने के बाद तुरंत मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। ये आग लगने की सूचना मिली थी, तुरंत फिल्म फायर ब्रिगेड के साथ यहाँ पहुँच गए। आग पे काबू पा लिया गया, किसी तरह कोई जान माल की क्षति नहीं हुई। सर कहाँ आग लगा? निखर होटल है, निखर होटल के लॉन्च पर। किसी तरह का कोई नुकसान तो कुछ उत्पाद जला है, बाकी तरह का जानी माली नुकसान नहीं हुआ। काबू पा लिया गया है, आग पर नियंत्रण पा लिया गया।